जाड़े की मांग बढ़ने और सरसों की उपलब्धता घटने से देश भर के तेल तिलन बाजारों में सरसों तेल तिलन और सोयाबीन दाना के भाव सुधार के साथ बंद हुए, जबकि मूंगफली की नई फसल मंडियों में आने के बीच इसके भाव में गिरावट आई। सीपीओ और पामोलिन के भाव ऊंचे होने से इनके लिवाल कम हुए हैं, जिससे इनके तेलों के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। बाकी तेल तिलनों के भाव भी पूर्व स्तर पर बने रहे हैं। वहीं मलेशिया एक्सचेंज में 1.1% की तेजी रही और शिकागो एक्सचेंज में 0.6% की गिरावट। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खुदरा तेल मिल वालों की सरसों की मांग बढ़ रही है और सलोनी शमशाबाद ने इसका दाम 9,000 रुपये से बढ़ाकर 9,100 रुपये क्विंटल कर दिया है, जिससे इसके तेल तिलहन की कीमतों में तेजी आई है। सूत्रों ने कहा है कि जाड़ों में हरी सब्जियों के लिए सरसों की मांग बढ़ने लगी है और अब सरसों का बचा कुचा स्टॉक जो कि 10-12% का ही रह गया है, वो भी सिर्फ किसानों के ही पास है। सूत्रों का कहना है कि सोयाबीन की प्लांट वालों के बीच मांग बनी हुई है और किसान अपनी फसल नीचे भाव पर बेचने को राजी नहीं है, इसलिए मंडियों में आवक अब कम है और इसी वजह से सोयाबीन दाना और लूज के भाव में सुधार है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि इसके अलावा शिकागो एक्सचेंज में गिरावट के रुख से सोयाबीन तेल तिलहन की कीमतों में गिरावट आई है। सूत्रों ने यह भी बताया है इसके साथ साथ कि नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते जो खाद्य तेलों का आयात हो रहा था, वह देश में आयात शुल्क घटने के बाद महंगा सौदा बैठ रहा है और उम्मीद है कि इन देशों के रास्ते आयात 10-15 दिनों में बिल्कुल रुक जाएगा। इसकी वजह है कि आयात शुल्क काफ़ी कम हो गया है और खाद्य तेल लाने का खर्च 10% होने से इसका आयात अब लाभप्रद नहीं रह गया है। जो सौदे पहले किए जा चुके थे वे अगले 10-15 दिनों तक पूरे होंगे और इन देशों के रास्ते आयात बिल्कुल रुक सकता है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश की तरह ही सरकार को बिहार, उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से खाद्य तेल उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए। सूत्रों के अनुसार सूरजमुखी और चावल छिलका तेल के दाम पामोलिन से कम है, फिर बाजार में ये महंगे कैसे बिक रहा है, इसकी निगरानी की जानी चाहिए। मूंगफली तेल भी सस्ता होने के बावजूद बाजार में महंगा कैसे बिक रहा है, इस पर नजर रखने की जरूरत है। बाकी तेल तिलनों के भाव अपरिवर्तित रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।